अचल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। बाबा बर्फानी की यात्रा हर साल में एक बार होती है और इसको लेकर भक्तों के बीच में खासा उत्साह देखने को नज़र आता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं, भारत के अन्य राज्यों से यात्री या हम भक्तजन जो हैं इस यात्रा को करने के लिए आते हैं। पंजीकरण से लेकर यात्रा जाने तक का सारा इंतजाम जो है प्रशासन पूरी तरह से देखती है और वहीं सिक्योरिटी को भी बड़ी पुख्ता किया जाता है, क्योंकि साल में ये एक बार यात्रा होती है, कश्मीर में यात्रा होती है। जिस ये यात्रा एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसको लेकर सरकार जो है पूरी तरह से कमर कस लेती है कि यात्रियों को किसी तरह से भी कोई भी मुश्किल का सामना करना ना करना पड़े। वहीं एक मामला जो इस समय ज्यादातर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि फेक पंजीकरण किए जा रहे हैं उन यात्रियों के जो जम्मू कश्मीर से अन्य जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं अन्य राज्यों से। सांबा के बाद अब कठुआ में भी फेक रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है और गिनती की अगर हम बात करें तो लगभग अब तक 133 जो फेक रजिस्ट्रेशन है वो कर की गई है। बाहरी राज्यों से लोग जब यहाँ इस यात्रा को करने के लिए आते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि होड़ में, जल्दी जाने की होड़ में, वो अक्सर ऐसे लोग एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं जो फेक जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं, और फेक रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें यात्रियों को ये कह दिया जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अब आप यात्रा को निकल सकते हैं। लेकिन वही प्रशासन का ये साफ तौर पर उन ऐसे फेक डिटेक्टर जो फेक एजेंट्स हैं उनको साफ तौर ये कहना है कि आप रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन ही करिए। इसको लेकर कई बार गाइडलाइन भी जारी की जाती है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि ऐसे फेक एजेंट्स जो हैं लोगों को बेवकूफ बनाने में सक्षम बन जाते हैं। वहीं हमें भी समझना है कि जब भी हम ऐसी यात्रा पे जाएं तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो पोर्टल्स बनाए गए हैं जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है यात्रा को लेकर, हमें उसे ही फॉलो करना है। जो गाइडलाइन या जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं हमें उसे ही फॉलो करना है। जल्दबाजी की ओड में या जल्दी जाने की ओड में हम लोग ऐसे फेक एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और ऐसे जो मामले जब सामने आते हैं तब कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह सरकार पर बन जाता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, इसके कारण उन्होंने एजेंट के पास गए और उन्होंने फेक रजिस्ट्रेशन की और जिसके कारण उनको काफ़ी सारे पैसे भी देने पड़े। प्रशासन जहां आपको बार बार ये कहती है कि आप जब भी यात्रा करने के लिए, अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो ऑनलाइन ही आप जो है रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बावजूद भी ऐसे फेक एजेंट्स लोगों को बेवकूफ़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा आगे कारगर सिद्ध होते हैं। हमें अक्सर ये ध्यान रखना है कि जब भी हम यात्रा पे जाएं, ये आगे यात्रा 62 दिन की होने वाली है और पहली बार ये इतनी लंबी यात्रा होने वाली है क्योंकि सावन का महीना इस बार 2 हफ्तों का रहने वाला है, जिसके कारण ये यात्रा भी 2 महीने चलेगी और 2 महीने चलने पर रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार होती रहेगी। तो आपको इन फेक जो एजेंट्स हैं इनसे बचना है और इनसे अपने आप को बचाने के लिए आपको इतना ही करना है कि जो पोर्टल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाया गया है श्री अमरनाथ जी की यात्रा को जाने के लिए, उसके द्वारा ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और इस यात्रा का आप इस यात्रा में सम्मिलित हो। तो यही हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, जिस तरह से सांबा और कठुआ में लगभग 133 लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है इन फेक एजेंट्स के द्वारा, आप ऐसी गलती ना करें। यात्रा करनी है तो पोर्टल के जरिए ही आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करें और यात्रा में आगे जाए। बाबा बर्फानी की अपार कृपा आप सब पर बनी रहे। आज दूसरा दिन है और आज दूसरा जत्था भी जो है रवाना हो चुका है और लगभग इसमें 8,000 जो यात्री हैं अभी यात्रा करने के लिए निकल चुके हैं। बाबा बर्फानी की अपार कृपा आप सब पर बनी रहे, सब पर आशीर्वाद उनका बना रहे, इसी तरह की अब हम आपसे हम कामना करते हैं और यही कहते हैं कि आप यात्रा पे जाएं तो किसी फेक एजेंट के जरिए नहीं, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही रजिस्ट्रेशन करें। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।